पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा है कि राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के किसानों से 10 दिन में कर्ज माफी और बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन 4 महीनों में न किसानों की कर्ज माफी हुई है और न ही बेरोजगारों को भत्ता मिला है। और साथ ही चतुर्वेदी ने प्रदेश में मिशन 25 को हासिल करने का दावा भी किया है। आपको बता दें कि पहले पुराने वादों को याद करें राहुल गांधी, ऐसा कहा गया है। राहुल गांधी के दौरे पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है। अरुण चतुर्वेदी ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया है बीजेपी पर, सॉरी माफ कीजिएगा, राहुल गांधी पर। साथ ही कहा कि पहले पुराने वादों को याद करें राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को प्रदेश में चुनावी दौरे पर रहे और इसके चलते बीजेपी ने राहुल गांधी के दौरे पर जमकर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के किसानों से 10 दिन में कर्ज माफी और बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन 4 महीनों में न ही तो किसानों की कर्ज माफी हुई है और न ही बेरोजगारों को भत्ता दिया गया है। और साथ ही चतुर्वेदी ने प्रदेश में मिशन 25 को हासिल करने का भी दावा किया है।